आरबीएसई बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एनुअल एग्जाम 2018 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। सो वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ पर 7 डिजिट वाला रोल नंबर लिखें। सबसे पहले संस्कृतम S71 थर्ड लैंग्वेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 28 एंड नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 12। माध्यमिक परीक्षा 2018 तृतीय भाषा संस्कृतम। समय आपको अलाउड होगा 3.25 घंटे का और पूर्णांक होगा 1 दिन का। ये कुछ निर्देश हैं परीक्षार्थीभ्यः सामान्य निर्देशाः। परीक्षार्थीभ्यः सर्वप्रथमं स्व प्रश्नपत्रोपरि नामांकः अनिवार्यतः लेख्य। यानी कि जो नामांक है वो प्रश्न पत्र पर सबसे पहले लिखें यानी कि रोल नंबर को। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्यः। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सर्वेषां प्रश्नानामत्राणि उत्तर पुस्तिकायामेव लेखनीयानि। यानी कि सभी प्रश्न के उत्तर पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं। एकस्य प्रश्नस्य सर्वे भागाः एकत्र एव लेखनीया। यानी कि एक प्रश्न के सभी भाग एक ही स्थान पर लिखना है। सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषायैव उत्तरीयाणा। यानी कि सभी प्रश्नों के संस्कृत भाषा में ही उत्तर देने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 अधोलिखितस्य पाठ्यपुस्तकात् पठित गद्यांशस्य सप्रसंगम हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। सो यहाँ पर 2 गद्यांश है पठित गद्यांश और इनका सप्रसंग के साथ हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो 2 पैराग्राफ है, एक ही पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 अधोलिखितस्य पाठ्यपुस्तकात् पठित पद्यांशस्य सप्रसंगम हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। 5 अंक के लिए। तो यहाँ पर 2 पठित पद्यांश है और इनका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पर 2 पद्यांश है और एक ही पद्यांश का ही हिंदी में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 अधोलिखितस्य पाठ्यपुस्तकात् पठित पद्यांशस्य सप्रसंगम यह संस्कृत व्याख्या कार्या। तो ये नीचे 2 श्लोक हैं पद्यांश हैं और इनका सप्रसंग यानी कि प्रसंग के साथ संस्कृत में व्याख्या करनी है, कोई भी एक। इसी प्रकार ये नाट्यांश है, इन दोनों नाट्यांशों में से कोई भी एक नाट्यांश का सप्रसंग संस्कृत में व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अधोलिखितेषु अष्टसु केषाञ्चन षट् प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत माध्यमेन लिखत। यानी कि इसमें 8 प्रश्न हैं और 8 में से कोई 6 प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है, सिर्फ 6 प्रश्न का उत्तर। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 9 पर्यंतम रेखांकित पदमाद्यत्र प्रश्न निर्माणम कुरुता। तो यहाँ पर जो भी रेखांकित है अंडरलाइन वर्ड है उनको बदल कर आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न पत्राद अतिरिच्य स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोकद्वयम् लिखत। यानी कि प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़कर अपने पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं, श्लोकद्वयम् यानी कि 2 श्लोक। क्वेश्चन नंबर 11 अधोलिखितम गद्यांशम पठिता एक का आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखता। सो ये एक गद्यांश है, इसे पढ़कर एतत् आधारित यानी कि जैसा दिया गया है उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सो ये गद्यांश है और इसके आधार पर ये प्रश्न है से रिलेटेड जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपको उत्तर लिखना है। सो जैसे कि ये अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी कि इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखो। प्रश्न संख्या ख यथा निर्देशम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो निर्देश के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर ग यथा निर्देशम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि निर्देश के अनुसार जैसा निर्देश दिया गया है वैसे प्रश्न का उत्तर लिखना है। यानी कि इसमें मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति अत्र कर्तृपदम लिखत। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा
वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में कर्तृपद आपको लिखना है। तो इसी तरह से चार प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 12, अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेदं कृत्वा संधेः नापापि लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए संधि शब्दों का पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, इनको संधि करके संधि का नाम भी लिखना है। इसमें संधि करनी है और इसमें संधि विच्छेद करनी है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम अथवा विग्रह पदानाम समासाम समासाम कृत्वा समासस्य नामापि लिखत, यानी कि इसमें प्रतिवारम जैसे ये अंडरलाइन शब्द है इसका विग्रह या विग्रह पद का समास करके समास का नाम भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विभक्ति और उसका कारण भी लिखना है जो रेखांकित पद है। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो कोष्टक में पद दिया हुआ है इनकी प्रकृति प्रत्यय के अनुसार शब्द निर्माण करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, ये अंडरलाइन शब्द है इनकी प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है, प्रकृति और प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 18, ये मंजुषा है, इनमें अव्यय पद हैं ये सारे और ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इनमें से शब्द लेकर। प्रश्न संख्या 19 से 21 पर्यंतम अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, यानी कि वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। सो 19, 20, 21। क्वेश्चन नंबर 22, ये घड़ी है, घड़ी का टाइम देखकर आपको संस्कृत में लिखना है और ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, क के लिए इस घड़ी का और ख के लिए इस घड़ी का टाइम देखना है। क्वेश्चन नंबर 23, अधोलिखितम वाक्यत्रयम शुद्धम कृत्वा लिखत, यानी कि नीचे लिखे तीन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24, आप राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर की 10वीं कक्षा में छात्र सोमनाथ हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्य के लिए 5 दिन के अवकाश यानी कि छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा आप रमेश हैं, अपने पिता को अपने अध्याय के विषय में इस अधोलिखित पत्र में से पत्र का मंजूषा में से दिए पदों की सहायता से पूरा कीजिए। सो इस प्रश्न के लिए ये मंजूषा है और ये रिक्त स्थानों में पद भरना है। क्वेश्चन नंबर 25, मंजूषा में से उपयुक्त पद लेकर चिकित्सालय दर्शनम इस विषय में संवाद, ये संवाद है आपको पूरा करना है, यानी कि संवाद का मतलब होता है वार्तालाप, यानी कि पुनीत और सुरेश की वार्तालाप यहाँ पर आपको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें किन्हीं चार वाक्यों का, इसमें 6 है, कोई भी चार वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 27, ये चित्र देखकर मंजूषा में से शब्द लेकर शब्द की सहायता से संस्कृत में 6 वाक्यों की निर्माण करना है, 6 वाक्य लिखने हैं, अथवा ये अधुलिखितम अनुच्छेदम मंजूषाया सहायतया रिक्त स्थानानि प्रयुक्त्य लिखत, यानी कि इन शब्दों की सहायता से ये एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को पूरा करके लिखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति, यानी कि ये ऑर्डर वाइज नहीं है, क्रमतः नहीं है, तो इनको यथाक्रम संयोजनम कृत्वा लिखत, तो संयोजन करके लिखना है यानी कि ऑर्डर वाइज लिखना है। जैसे इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है कि घर राम है जाता, तो उसका क्या होगा, राम घर जाता है, तो इस तरह से आपको ऑर्डर वाइज लिखना है ना। सो आपको 3 अंक मिलेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स क्लास 10th राजस्थान बोर्ड संस्कृत 2018 का क्वेश्चन पेपर, एकदम ओरिजिनल और डिजिटल। मैंने आपको समझाया एक एक प्रश्न को, होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से करना है। और बहुत जल्द हमारे चैनल पर संस्कृत के सभी लेसन अपलोड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।